अगर आपने भी अपना अकाउंट बनाते टाइम ग्रो ऐप में नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रो ऐप में नॉमिनी को ऐड कैसे करें। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं नॉमिनी क्यों जरूरी है। इमेजिन कीजिए अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आपकी मेहनत का फल आपके चाहने वालों को बिना किसी परेशानी के मिल जाए। ये है नॉमिनी का असली पावर। इससे पहले कि हम जाने कि ग्रो ऐप में नॉमिनी को ऐड कैसे करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर की वीडियो कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन करें और उसमें अपना अकाउंट को लॉगिन करें। ऐप का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। अब अकाउंट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रॉल करें, यहाँ नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन होगा। अब डिक्लेयर नॉमिनी पर क्लिक करें। अब यहाँ ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको जरूरी डिटेल इंटर करनी है। ध्यान रहे कि सही इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्मूथ नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको नॉमिनी का पूरा नाम इंटर करना है जो उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर है। यहाँ पर आपके नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है जो उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर है। यहाँ से आपको नॉमिनी की आईडी प्रूफ को सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ऑप्शन मिलते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नॉमिनी के पास है। जैसे कि यहाँ पर मैं आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद कंफर्म आइडेंटिटी प्रूफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक रहने देंगे, लेकिन अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम नहीं है तो इसको अनटिक करेंगे और यहाँ से नॉमिनी एड्रेस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी डिटेल को इंटर कर दिया है। यहाँ पर हमने अभी सिर्फ एक नॉमिनी को ऐड किया है। एक डीमैट अकाउंट में एक साथ तीन नॉमिनी को ऐड किया जा सकता है। अगर आप और नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर नॉमिनी पर क्लिक करके सभी डिटेल को इंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आधार ई साइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ हमें अपना आधार कार्ड ई साइन करना है। इसके लिए प्रोसीड टू आधार ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है जिनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए इन दोनों पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने नॉमिनी का फॉर्म आ जाएगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है, नॉमिनी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें कुछ सेकंड का वेट करना है और बस दोस्तों, अब आपने सक्सेसफुली ग्रो ऐप में नॉमिनी को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको एक से दो दिन का वेट करना है। इसके बाद आप अपने ऐप को ओपन करके देख सकते हैं। तो ये था एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ग्रो ऐप में नॉमिनी कैसे ऐड करें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।